दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने इलाहाबाद बैंक या हम कह लें इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया है। दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि जो ब्याज दरें हैं उसमें बदलाव हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि उन नई ब्याज दरों के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। हालांकि मैं फिर भी एक बार सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज हुए थे 4/7/2022 को। अगर हम बात करें एक साल की फिक्स डिपॉजिट, तो आप देख सकते हैं कि एक साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 5.25% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम बात करें दो साल या तीन साल से नीचे की, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 5.50%। तो अब इनके हिसाब से हम कैलकुलेशन करके देखते हैं 1 लाख से लेके 5 लाख तक की, कि अगर आप इन रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से एफडी करवाते हैं तो आपको कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैं एफडी कैलकुलेटर ओपन करता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने एफडी कैलकुलेटर ओपन किया है। सबसे पहले अमाउंट हमारी 1 लाख है जी, और ड्यूरेशन टाइम है 1 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा हमें 5.25%। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 1 लाख के ऊपर कितनी वैल्यू मिल जाएगी? 1,05,378 रुपीज। मतलब कि आपको 5,378 रुपीज ब्याज के रूप में मिलेंगे। अगर हम बात करें 2 लाख की, तो देखिए दोस्तों, 2 लाख के ऊपर आपको ब्याज कितना मिलेगा? 10,756 रुपीज। उसी तरह से अगर हम बात करें 5 लाख की, तो देखिए दोस्तों, 5 लाख के ऊपर आपको ब्याज कितना मिलेगा? 26,891 रुपीज। सो दोस्तों, अब हम जल्दी से कैलकुलेट करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए। तो सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख वैल्यू फिल करता हूं पहले, उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.50 एक्स्ट्रा एप्लीकेबल होगा। So, मैं क्या करूंगा जी, देखिए 5.75% करता हूं। तो आप देख सकते हैं आपको 1 लाख के ऊपर कितनी वैल्यू मिल जाएगी? 5,904 रुपीज। उसी तरह से अगर मैं बात करूं 2 लाख की, तो देखिए दोस्तों, 2 लाख के ऊपर आपको वैल्यू कितनी मिलेगी ब्याज के रूप में? 11,808 रुपीज। तो उसी तरह से अगर हम बात करें 5 लाख की, तो देखिए दोस्तों, 5 लाख के ऊपर आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी? 29,520 रुपीज। सो ये तो रही बात 1 साल की। तो अब मान लीजिए अगर आप 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो देखिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले वैल्यू फिल करता हूं जी 5 लाख, और जो टाइम पीरियड है वो हमारा 2 साल का होगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कितना है जी? 5.50, जो कि जनरल कैटेगरी का है, और टाइम पीरियड है जी, मान लीजिए, देखिए मैं करता हूं 2 साल। तो देखिए दोस्तों क्या होगा जी, 2 साल के लिए जो आपको ब्याज मिलेगा 5 लाख के ऊपर वो कितना हो जाएगा जी? आप देख सकते हैं 57,999 रुपीज। मतलब के 58,000 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की, तो देखिए दोस्तों, सीनियर सिटीजन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6.00। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन के बिहा पर 5 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो आपको जो ब्याज की राशि मिलेगी वो हो जाएगी जी 63,580 रुपीज, और मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5,63,580 रुपीज। तो देखो दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने इंडियन बैंक के नई ब्याज दरों के साथ कैलकुलेट करके देख लिया कि अगर आप 1 से 5 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही।